भाई और बहनों, आज जोश के अंदर खाने पीने की बहुत सरल भाषा में आपको सिखाने के लिए भोजन के आवश्यक नियम 100% 1 से 30 तक आप सुनिए, ध्यान से वो शेयर कीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये है आपके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट। मनी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, लाइफ इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जिंदगी बहुत ज़रूरी है, पैसा कोई ज़रूरी नहीं। पैसा आज नहीं तो कल आराम से कमा सकते हैं, यदि जिंदगी आप भी नहीं रहेंगे तो आपके पैसे कुछ काम के नहीं है। इसलिए अभी इसे शुरू करने जा रहा हूँ, जोश के अंदर 1 से 30 तक भोजन के आवश्यक नियम अच्छी तरह से सुन लीजिए और पूरा सुनिए, तभी आपको लाइफ में आपको हिम्मत आने वाली है। वर्ल्ड की पूँछ में बट जाना चाहिए और बंदर की पूँछ पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मर्द को मूछ रखनी बहुत ज़रूरी है और बंदर की पूँछ किसी को भी एक लग जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होती है, कई दिनों तक वो उठ भी नहीं पाता, इतनी उसके बंदर की पूँछ जहाँ पे जाड़ है बंदर उसकी पूँछ को लपेट के टिर सकता है, एक डाली से दूसरी डाली पर जा सकता है। इसलिए अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, कृपया करके पूरा वीडियो मेरा देखिए। भूख खुलकर लगने पर ही खाना खाना चाहिए, उतना ही खाए जितने में भूख शांत हो जाए। पहला ग्रास अच्छी तरह चबाने तक दूसरा ग्रास ना ले, एक कवा को चबा चबा करके खाइए, वो पूरा बारीक हो जाए, उसके बाद में दूसरा कवा लेना, चबा चबा के खाना खाना। एक आहार में कई खाना लेकर कम लेना एवं सादा भोजन करना चाहिए, ताकि पाचन प्रणाली पर व्रत का बोझ ना पड़े। यदि आपने हल्का भोजन लेंगे तो आपके शरीर के अंदर मशीनों में ज़्यादा भार नहीं लगेगा और आप तले वगैरह बहुत लोटू लोचू खा लेंगे, आपके शरीर अंदर से बिगड़ जाएगा। भोजन एकाग्र चिंतित एवं शांत चिंत होकर करना चाहिए। रात में सोने के 3 घंटे पूर्व भोजन कर लेना चाहिए। 2 भोजनों के बीच कम से कम 5 से 6 घंटे का अंतर आवश्यक होना चाहिए। सोने के बाद उठकर तुरंत नहीं खाना चाहिए। चिंतित सोगातुर थकान एवं जल्दबाजी में कभी भोजन न करें। भोजन के समय व्यापार, समाज अथवा गृहस्थी संबंधी समस्याओं पर बातचीत नहीं करनी चाहिए। हमेशा के लिए जब आप भोजन करते समय शांति से खाना खाना चाहिए। यदि आप गुस्सा करके खाना खाएंगे तो वो इमीडिएटली खाना भी जहर बन सकता है। हमेशा के लिए खाना खाते समय आराम से खाना चाहिए और दिमाग को फ्री रखना चाहिए। मिर्च मसाला आदि उत्तेजक पदार्थों का उपयोग न करें, कम से कम करें। गले में जलन अथवा गंदी वायु बढ़ने पर न खाए। दुष्पथ्य एवं कृष्ट भोजन भूलकर भी न करें। जहाँ तक संभव हो अपकहार फल सलाद अंकुरित इत्यादि ही करना चाहिए। यदि आपको जो चीज़ रुचती है आपको बता वही खाइए, जो आपको संतुष्टि नहीं है वो खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए, शरीर से बड़ा कोई नहीं है। पहले खाना खाना बाद में हॉस्पिटल में जाके 4-5 लाख रुपए लगाना, ऐसा कभी काम नहीं करना चाहिए। बासी भोजन करने से रोग होता है। भोजन करते समय बीच में पानी ना पिए, या तो भोजन करने से 30 मिनट पहले पानी पिए या भोजन करने के 40-50-60 मिनट बाद में पिए। दिन में पानी पर्याप्त मात्रा में पिए। सफ़ेद चीनी मैदा पालिश क्रिया चावल इत्यादि जैसे शोधित
पदार्थों के सेवन से बचे, नमक, मिठाइयाँ, मसाला, घी आदि की मात्रा घटाए, चाय, कॉफ़ी, तली हुई चीज़ों, धूम्रपान, शराब और खाने के तंबाकू से बचे। सलाह में एक दिन केवल रस और पर्याप्त मात्रा में जल पर रहे, यदि आप सप्ताह में एक दिन, चाहे हिंदू हो चाहे कौन सा भी धर्म का हो, चाहे जैन धर्म का हो, आपको मैं एक अच्छी सलाह देता हूँ, एक सप्ते के अंदर एक बार फ्रूट, पानी, जूस ऐसा लीजिए। खाना खाना ज़्यादा मत खाइए, अंदर का मशीन को भी रिलीफ करना बहुत ज़रूरी है। चोकर समेत आटे की रोटी खाए, जो रोटी को चापड़ बोलते हैं, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, गेहूँ की रोटी, जो चापड़ होता है उसकी भी रोटी बना करके खुद भी खा सकते हैं, गाय को भी दिए जा सकती हैं। कभी भी अन्न को व्यस्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसान लोग हैं, अन्न निकालने में 6-6 महीना लग जाता है। खाना को वेस्ट करना 1 मिनट लगता है और खाना बनाने में कई टाइम लगता है, और अनाज को पैदा करने में 3-4-5 महीने लग जाता है। इसलिए कृपया करके एक ही बोलता हूँ, कोई भी चीज़ को वेस्ट ना करें। फल सब्जियाँ धोकर खाए, भोजन करने से पहले वो पश्चात हाथ धोए एवं कुल्ला करें, भोजन के पश्चात दांत अवश्य साफ कर ले। मौन रहकर भोजन करना चाहिए, भोजन करते समय टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए। यदि आप खाना खाते समय टेलीफोन पर पूरा यूट्यूब चैनल या कुछ भी आप चलाएंगे, व्हाट्सएप मैसेज, लट्टू लुच्चू कुछ भी करेंगे, तो आपका खाना वो जहर बन सकता है। खाना खाते समय कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करने का है, इसलिए हम हमेशा के लिए जोश में वीडियो बनाते हैं। रूपा राम भवलाल यूट्यूब चैनल प्लीज़ इमीडिएटली सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं आपके लाइफ के लिए बनाते हैं, हम कोई ऐसी जॉक्स वीडियो नहीं बनाते हैं। लाइफ इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मनी नो इम्पोर्टेंट। भोजन के तुरंत बाद शारीरिक या मानसिक श्रम नहीं करना चाहिए। भोजन समाप्त करने के बाद मूत्र त्याग की आदत डालनी चाहिए। दूध रात को ना पीकर प्रातः काल नाश्ते के समय पीना चाहिए। भोजन के अंत में मट्टा पीना चाहिए। यदि आपके परिवार के अंदर प्रेम प्यार से जीना है, हंस मुस्कराते रहना है, तो ज़िंदगी हमेशा से खुशहाल बन सकती है। और प्रेम प्यार में रहना चाहिए, क्योंकि पैसा 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 ही छोटी सी जिंदगी है, कुछ साथ में लेके कौन भी आए नहीं है और लेके जाने वाला भी नहीं है। जाट समाज को मैं एक यही संदेश देता हूँ, क्योंकि हम जाट समाज से हैं, बट हम सभी धर्मों का अनुपालन करते हैं, हम कोई भी धर्मों का विरोध नहीं करते। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आपस में है भाई भाई, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। कभी भी हमारे भारत मान था, मान रहेगा, महान हम भी रहने वाले हैं, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। पैसा दोबारा भी मिल सकती है, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं किसी को मिलती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।